हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डोज। दोस्तों बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। गाइस यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट अपडेट है आप सभी लोगों के लिए। यहाँ पर दोस्तों CSIR सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट में दोस्तों कुछ वैकेंसियाँ आई हुई हैं डिप्लोमा और ITI कैंडिडेट्स के लिए। दोस्तों इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन 2 से 3 दिन पहले ही आउट हो चुका था, तब टाइम इशू की वजह से मैंने आप सभी लोगों के लिए वीडियो नहीं बनाई थी। कल के दिन दोस्तों इसका फुल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, लेकिन कल 3-4-5 वीडियोस बहुत ज़्यादा हो गई थी तो मैं बिजी था, इसी वजह से मैं इस वीडियो को नहीं बनाया था। तो दोस्तों फाइनली मैं आप सभी लोगों के लिए अपडेट लेकर आया हूँ। CSIR जैसा कि मैंने आपको बताया, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के अंतर्गत आता है। यहाँ पर दोस्तों डिप्लोमा और ITI दोनों कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसियाँ हैं। डिप्लोमा वालों के लिए दोस्तों टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी है और ITI वालों के लिए दोस्तों टेक्नीशियन की वैकेंसी है। पे स्केल काफ़ी अच्छा रहने वाला है। गाइज यहाँ पर लगभग सभी ट्रेड्स के लिए वैकेंसी है और यहाँ पर दोस्तों एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। तो जो भी कैंडिडेट्स इस फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं वो वीडियो के लास्ट तक बने रहें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है जो कैंडिडेट छोड़ देते हैं और वही चीज़ हमसे कमेंट सेक्शन में पूछते रहते हैं। अप्लाई करने का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सारी चीज़ें मिल जाएंगी। टेलीग्राम ग्रुप पर इसका फुल नोटिफिकेशन मिल जाएगा दोस्तों, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है। तो उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ ज़रा टाइम ना लेते हुए। यहाँ पर दोस्तों इसका एडवर्टीजमेंट नंबर है 02/2021। यहाँ पर दिया हुआ है रिक्रूटमेंट ऑफ टेक्निकल असिस्टेंट एंड टेक्नीशियन, लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 27 सितंबर। इसकी लास्ट डेट है दोस्तों 27 सितंबर और लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ हार्ड कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन ये 12/10 है। तो यहाँ पर चलिए मैं एक बार फुल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेता हूँ और आपको जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें उसके बारे में आप सभी लोगों से डिस्कस करता हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइज यहाँ पर मैंने PDF को डाउनलोड कर लिया और यहाँ पर दोस्तों ऑनलाइन एप्लीकेशन जो स्टार्ट हुआ वो 28 तारीख से हो गया है। 9 बजे से 28 तारीख से इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। तो आप सभी लोग इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लास्ट डेट जो फॉर्म को फिलअप करने की है वो 27 तारीख है, ठीक है। चलिए अब एडवर्टीजमेंट में आते हैं। यहाँ पर दोस्तों टेक्निकल असिस्टेंट जो कि डिप्लोमा वालों के लिए वैकेंसी होती है, BSc वालों के लिए वैकेंसी होती है। जहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात कर लेते हैं दोस्तों तो 41 है और पे स्केल काफ़ी अच्छा रहने वाला है दोस्तों। यहाँ पर 35,400 का पे स्केल होने वाला है। अपर एज लिमिट दोस्तों 28 ईयर्स होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों डेट मेंशन है जहाँ से आप डिसाइड होगा इसी डेट पर। और टेक्नीशियन दोस्तों, टेक्नीशियन की दोस्तों 13 वैकेंसी है, 19,900 आपका पे स्केल होने वाला है। यहाँ पर भी अपर एज लिमिट दोस्तों 28 ईयर्स होने वाली है, ठीक है। चलिए अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर टेक्निकल असिस्टेंट में, तो अगर हम डायरेक्ट डिप्लोमा की बात कर लेते हैं, यहाँ पर कुछ BSc वालों के लिए वैकेंसीज हैं। चलिए हम डायरेक्ट डिप्लोमा वालों के लिए बात कर लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों जो टेक्निकल असिस्टेंट डिप्लोमा वालों के लिए पहली वैकेंसी है वो ये है टेक्निकल असिस्टेंट की, जिसमें 2 पोस्टें हैं, UR की 1, OBC की 1। और यहाँ पर फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ऑफ एटलीस्ट 3 ईयर्स फुल टाइम ड्यूरेशन और एटलीस्ट 2 ईयर्स फुल टाइम ड्यूरेशन इन केस ऑफ लेटरल एडमिशन इन डिप्लोमा कोर्सेज और इट इज इक्वलेंट विद एक्सपीरियंस ऑफ 2 ईयर्स इन रिलेवेंट एरिया ऑब्लिक फील्ड। यहाँ पर दोस्तों आपका डिजायरेबल एरिया बताया गया है कि एक्सपीरियंस इन लीनियर इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन एंड एम्बेडेड सिस्टम एंड ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ एनालिटिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन। तो ये चीज़ें आप समझ सकते हैं 2 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। यहाँ पर जो टेक्निकल असिस्टेंट दूसरी रिक्रूटमेंट है दोस्तों, जहाँ पर 6 पोस्टें हैं जिसमें UR की 3 है, OBC की 2, ST की 1 है, जहाँ पे फर्स्ट क्लास का डिप्लोमा मांगा है इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ठीक है। यहाँ पे भी 2 साल का एक्सपीरियंस रिलेवेंट फील्ड में मांगा हुआ और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एक्सपीरियंस का क्राइटेरिया मेंशन है। नेक्स्ट अगर टेक्निकल असिस्टेंट की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, जहाँ पे भी 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। सिविल वालों के लिए भी वैकेंसी है और मैकेनिकल वालों के लिए वैकेंसी। यहाँ पर सिविल वालों मैकेनिकल के लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज काफ़ी अच्छी है, 7 वैकेंसी है, जहाँ पे UR की 5, OBC की 1, ST की 1। और जहाँ पर फर्स्ट क्लास का डिप्लोमा मांगा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे भी दोस्तों रिक्वायर्ड है। यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी जो टेक्निकल असिस्टेंट की है उसमें रेफ्रिजरेशन एंड AC इंजीनियरिंग ये मांगा हुआ है। और हम नेक्स्ट वैकेंसी बात कर लेते हैं अगर टेक्निकल असिस्टेंट सिविल वालों के लिए, तो यहाँ पे भी 3 साल का डिप्लोमा या फिर लेटरल एंट्री वाले फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं विद 2 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, 2 पोस्टें हैं, OBC की 1 और UR की 1। CS वालों के लिए वैकेंसी है दोस्तों कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन दोनों लोगों के लिए वैकेंसी है, जहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी 2 है, OBC की 1, UR की 1। नंबर ऑफ वैकेंसी देखो ऐसे डिपार्टमेंट दोस्तों कम ही आती है, तो इस चीज़ का बिल्कुल भी आप ध्यान रखिए। अगर आप इस फॉर्म को भरने के एलिजिबल हैं तो बिल्कुल भी अवॉइड ना करिए। आपके पास अगर डिप्लोमा है रिलेवेंट फील्ड का और 2 साल का एक्सपीरियंस है तो बिल्कुल भी आप ऐसे फॉर्म को अप्लाई करने में देरी ना किया करिए, चूक ना करिए करिए, क्योंकि ऐसे फॉर्म्स को अक्सर लोग अवॉइड करते हैं और आप ऐसे फॉर्म में वो फिल करके सिलेक्शन प्राप्त कर सकते हैं।
चलिए अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, मैंने आपको पहले बता दिया था टेक्नीशियन के लिए वैकेंसी जो कि आईटीआई वालों के लिए। यहां पर दोस्तों अगर हम पहली वैकेंसी की बात करें तो इलेक्ट्रीशियन टेट की वैकेंसी, जहां पर दोस्तों आपका 2 ईयर्स का यहां पर एक्सपीरियंस मांगा गया है। अगर आपके पास अप्रेंटिस है तो भी चलेगा। यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए 3 वैकेंसी है, जहाँ SC की 1, OBC की 1, EWS की 1, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं वायरमैन वालों के लिए भी वैकेंसी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैकेनिक ट्रेड के लिए भी वैकेंसी है। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर कुछ और ट्रेड्स के लिए वैकेंसी है, CS वालों के लिए वैकेंसी है। नंबर ऑफ वैकेंसी दोस्तों हर ट्रेड में, कोपा वालों के लिए वैकेंसी है। नंबर ऑफ वैकेंसी दोस्तों हर ट्रेड में कम ही कम है, तो इस चीज़ को बिल्कुल भी आप ध्यान रखिएगा। आपको जो भी आपका बेसिक होगा उसके अलावा बहुत सारे अलाउंसेस मिलने वाले हैं, तो फिलहाल आपको ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहने वाली हैं। चलिए अगर हम और इंपॉर्टेंट चीज़ों की अगर बात कर लेते हैं इस वीडियो में, तो गाइज यहाँ पर जो भी आपका प्रिंट निकलेगा इसके बाद आप डिजायर जो भी डॉक्यूमेंट होंगे उन्हें पोस्ट के थ्रू आपको भेजना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एड्रेस दिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको एनवेलप में करके अपनी सारी डिटेल्स सेल्फ अटैच्ड करके, सारे डॉक्यूमेंट सेल्फ अटैच करके फोटोकॉपी उसकी इस पोस्ट पर आपको भेजनी पड़ेगी। एप्लीकेशन फॉर्म की फोटोकॉपी दोस्तों आपको भेजनी पड़ेगी, तो इस चीज़ को बिल्कुल भी आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे दोस्तों इंपॉर्टेंट्स देखिए दिया हुआ है कि फॉलोइंग डॉक्यूमेंट मस्ट बी अटैच्ड अलोंग विद द एप्लीकेशन फॉर्म सेंड बाय द पोस्ट। तो इतने सारे डॉक्यूमेंट्स आपको भेजने होंगे। यहाँ पर दोस्तों ऐसा नहीं कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपका लगने वाला है, 10th की मार्कशीट लगेगी आपकी, जो डिप्लोमा है आईटी उसकी मार्कशीट लगने वाली है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो वहाँ NOC सर्टिफिकेट मिलेगा, और इसके बाद आपकी दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो जो आपने की है वो सारी चीज़ें नीड होगी, और आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट होगा वो भी नीड होगा। तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर कुछ फॉर्मेट्स बने हुए कास्ट सर्टिफिकेट के लिए इसी PDF में, तो अभी मैं उसको भी दिखा दूंगा। अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट के लिए, तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन आपका ऑफलाइन होने वाला है। यहाँ पर ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों का ऑप्शन है, OMR बेस्ड और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, मल्टीपल टाइप आपके क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन आपके हिंदी इंग्लिश दोनों में होंगे, और यहाँ पर दोस्तों आपकी स्टैंडर्ड ऑफ एग्जाम होगा डिप्लोमा अपनी ग्रेजुएशन लेवल, मतलब BSc वालों के लिए ग्रेजुएशन लेवल का पेपर होगा और डिप्लोमा वालों के लिए उनका डिप्लोमा का पेपर होगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की अगर बात करें 200 क्वेश्चन आने वाले हैं 3 घंटे। गाइज यहाँ पर जो आपका पेपर होने वाला है वो 3 घंटे का और 200 क्वेश्चन इसमें आएंगे, पार्ट वाइज डिवाइड होगा। फर्स्ट पार्ट दोस्तों जिसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, लेकिन पार्ट सेकेंड और पार्ट थर्ड में निगेटिव मार्किंग है। पार्ट फर्स्ट में दोस्तों आपको 1 घंटे का टाइम मिलेगा, जहाँ पर मेंटल एबिलिटी के 50 क्वेश्चन आएंगे, पर क्वेश्चन 2 मार्क्स कैरी करेगा और कोई भी निगेटिव मार्किंग पार्ट फर्स्ट में नहीं है। पार्ट सेकंड की अगर हम बात कर लेते हैं तो दोस्तों पार्ट यहाँ पे दिया हुआ मेंटल एबिलिटी टेस्ट विल बी सो डिवाइडेड, सो इंक्लूड जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, रीजनिंग के आएंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सिचुएशन जजमेंटल, ये सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। पार्ट सेकंड में दोस्तों 30 मिनट्स का टाइम मिलेगा, जहाँ पे जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन आएंगे। सही क्वेश्चन होने पर आपका 3 मार्क्स मिलेगा और निगेटिव मार्किंग के 1 मार्क्स कट जाएगा। पार्ट थर्ड की बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपका कंसर्न सब्जेक्ट आपका रिलेवेंट ट्रेड के सब्जेक्ट्स आएंगे, चाहे आप सिविल के हो, मैकेनिकल के हो, इलेक्ट्रिकल के हो। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 आने वाले हैं और पर क्वेश्चन दोस्तों 3 मार्क्स कैरी करेगा और एक निगेटिव मार्किंग के रूप में आपका कट जाएगा। टेक्नीशियन पोस्टों की अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, तो टेक्नीशियन में दोस्तों टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 रहेंगे, आपके पास 2.5 घंटे का टाइम रहेगा और यहाँ पर सेम वैसे ही आपका टाइम डिवाइड रहेगा। पहला पार्ट दोस्तों 1 घंटे का रहेगा, जहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन दोस्तों अगर हम बात करते हैं मेंटल एबिलिटी कि 150 क्वेश्चन यहाँ पे रहेंगे, और जहाँ पे 100 मार्क्स आपके मैक्सिमम रहेंगे, 2 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन। यहाँ पे दोस्तों गलती से लिखा हुआ है 150 क्वेश्चन, यहाँ पे आई थिंक मुझे 50 क्वेश्चन होना चाहिए, तभी मैक्सिमम मार्क्स 100 रहेगा और निगेटिव मार्किंग नहीं है फर्स्ट पार्ट के लिए। पार्ट सेकेंड दोस्तों सेम वही 25 क्वेश्चन इंग्लिश, 25 क्वेश्चन रीजनिंग के, सॉरी इंग्लिश के। टोटल पर क्वेश्चन का 3 मार्क्स मिलेगा, निगेटिव मार्किंग का 1 मार्क्स कट हो जाएगा, और जो आपका कंसर्न सब्जेक्ट या रिलेवेंट सब्जेक्ट रहेगा उसके 50 क्वेश्चन आएंगे, और आपको उसमें 50 क्वेश्चन के लिए 1 घंटे का टाइम मिलने वाला है। यहाँ पर कुछ फॉर्मेट्स दिए हुए हैं, फॉर फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस बाई द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। यहाँ पे SC ST का फॉर्मेट है, यहाँ पर OBC का फॉर्मेट है, तो ये सारी चीज़ें आपको फॉर्मेट में फिल करके आपको पोस्ट करना है, ठीक है। सर्टिफिकेट और डिजिबिलिटी, मतलब जो भी आप, अगर आप डिजिबल है तो डिजिबल वाला फॉर्म को फिलअप करिएगा, अगर आप OBC कैंडिडेट है तो OBC वाला, SC कैंडिडेट SC वाला, तो ST कैंडिडेट है ST वाला। तो ये सारे आपको फॉर्म को फिलअप करना है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों ये इंपॉर्टेंट अपडेट थी आप सभी लोगों के लिए, और जो भी कैंडिडेट्स एलिजिबल है जरूर फॉर्म को फिलअप कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।